हेलो पोके फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल पोके ज्ञान XYZ। एंड आज हम बात करेंगे कुछ मिथिकल पोकेमॉन के बारे में, जिन्हें अगर ऐश चाहता तो पकड़ सकता था या फिर उसे पकड़ना चाहिए था। एंड बहुत अच्छा होता अगर उस मिथिकल पोकेमॉन को ऐश अपनी टीम में रखता। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं मिथिकल पोकेमॉन्स किसे कहते हैं। तो मिथिकल पोकेमॉन उन रेयर पोकेमॉन का ग्रुप है जिन्हें बहुत रेयरली देखा जाता है। एंड मिथिकल पोकेमॉन एक तरह से लेजेंडरी पोकेमॉन ही होते हैं जो धीरे धीरे वर्ल्ड से एक्सटेंस हो रहे हैं। तो एक मेन इवेंट होता है जहाँ हम मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ सकते हैं, उस इवेंट का नाम है इवेंट लेजेंडरीज। तो मिथिकल पोकेमॉन बहुत पावरफुल पोकेमॉन है एंड बहुत रेयर पोकेमॉन है। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ये बल्बापीडिया से मैंने लिया है। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूँ, मैंने लिस्ट में जो जो मिथिकल पोकेमॉन को रखा है उन्हें अगर ऐस चाहता भी तो भी कैच नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पोकेमॉन की मूवी में उनका अपेयरेंस हुआ है। और आप समझ सकते हो पोकेमॉन की जर्नी और पोकेमॉन की मूवी दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे हीरोज़ को कोई भी नया पोकेमॉन मूवी में दिया नहीं जाता। तो इसी रीजन से ऐस ने कभी भी मिथिकल पोकेमॉन नहीं पकड़े हैं। लेकिन फिर भी हमने वीडियो बना डाली क्योंकि ऐस को पकड़ना चाहिए था। तो नंबर 5 पर जो मिथिकल पोकेमॉन है वो है ज़ेराओरा। तो ज़ेराओरा एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है एंड पावर ऑफ आस की मूवी में इसे पहली बार देखा गया। एंड ज़ेराओरा एस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन एस ज़ेराओरा को बहुत पसंद करता था। एंड इन में ज़ेराओरा एस की बात मानने लगा एस की काइंड नेचर देखकर। तो ज़ेराओरा अगर एस की टीम में होता तो एस का टीम बहुत पावरफुल हो जाता। लेकिन एस ने उसे पकड़ा ही नहीं, क्योंकि भाई हमारा एस किचम तो अलग लेवल का है, अच्छे अच्छे पोकेमॉन को रिलीज़ करता है, बेकार पोकेमॉन को पकड़ता है। एंड पकड़ने के बाद देखो खुश भी कितना हो रहा है। एंड वो पोकेमॉन बैटल में यूज़ करता है जो बात ही नहीं मानता किसी की। तो एस भाई गुस्सा मत करना या फिर रोना मत, लेकिन जो सच है वो सच है। और नंबर 5 पर जो मिथिकल पोकेमॉन है वो है केल्डियो। तो केल्डियो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत क्यूट पोकेमॉन है और वाटर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, जिसको पहली बार देखा गया क्यूरेम वर्सेस सॉर्ड ऑफ जस्टिस मूवी में। एंड पहले से ही दोनों एस और केल्डियो का बॉन्ड बहुत अच्छा था। एंड अगर केल्डियो एस की टीम में लास्ट में आ जाता ना तो कतई मज़ा ही आ जाता मूवी में। लेकिन मैंने जो पहले ही कहा था, मूवी में कोई भी नया पोकेमॉन दिलाया नहीं जाता हीरोज़ को। नंबर 3 पर जो मिथिकल पोकेमॉन है वो है वॉल्केनियन। तो वॉल्केनियन को पहले दिखाया गया था वॉल्केनियन एंड द मैकेनिकल मार्वल मूवी में। एंड वॉल्केनियन एक एटीट्यूड वाला फायर और वाटर टाइप पोकेमॉन है। देखो कॉम्बिनेशन ही कितना अच्छा है। एंड दोनों का बॉन्ड भी एंड में अच्छा हो गया था, अगर पकड़ लेता तो एस की टीम बहुत स्ट्रांग हो जाती, लेकिन क्या करें। और नंबर 2 पर जो पोकेमॉन है उसे तो मतलब एस को पकड़ना ही चाहिए था, इतना अच्छा था दोनों के बीच। तो उस पोकेमॉन आप देख ही सकते हैं हुपा है, जिसे पहली बार दिखाया गया था हुपा एंड द क्लास ऑफ एट्स में। तो दोनों का बॉन्ड पहले से बहुत अच्छा था एंड मुझे तो मतलब लग ही रहा था चलो एस ने पकड़ लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पोकेमॉन वाले क्या कर रहे हैं, एक भी मिथिकल पोकेमॉन हमारे एस को नहीं दिया, तो क्या कर सकते हैं। और नंबर 1 पर जो पोकेमॉन है वो है विक्टिनी। तो विक्टिनी विक्टी को शो करता है एंड अगर एस के पास ये होता तो एस को कोई हरा ही नहीं पाता। और विक्टिनी को पहली बार दिखाया गया था विक्टिनी एंड रेसिरम मूवी में शायद। एंड दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे एंड मुझे तो लग रहा था चलो एस के यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अच्छा होता अगर एक भी मिथिकल पोकेमॉन एस के पास होता। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।